हम इसे सर्व करेंगे दोस्तों। फुल टेस्टी था। तो आज मैं बना रहा हूँ हलीम। ये है गेहूँ, इसको मैंने सीटी ले ली कुकर में डालकर, अच्छे पका लिए इसमें, और फिर इसे अच्छी घुटाई करना है। हमने गोश्त बॉईल कर लिया है और अब जो है ना हम इसको डालेंगे इसके अंदर। इसके अंदर डाल देंगे और इसे अच्छा मटन डाल के इसने इसको अच्छा बारीक करना है। इस अंदाज में पूरा मटन उसको बारीक करना अपने को, इस तरह तरह पूरा मैरिनेट करना है मटन को उसमें बारीक। वो हमने जो है ना इसमें चने की दाल है, तुअर की दाल है, उड़द की दाल और थोड़े से चावल और टमाटर, हल्दी, नमक, मिर्ची और लहसुन सब डाल के हमने दालें चढ़ा चुके हैं। अब इसे सीटी लेंगे, हम पकाएंगे अच्छी डाल। ये हमारी दाल में आ चुकी है। चुका इसकी घुटाई होगी। अच्छे से इसको मैरिनेट करना पड़ता है दाल में। ये हमारी दाल घुटकर तैयार हो चुकी है। गेहूँ दाल सब इसमें मिक्स हो चुका है, हमारा मटन वगैरह भी इसे अच्छी तरह हमने मैरिनेट कर दिया है और बहुत घसा है। अब इसमें बघार डालना है हमको, बस इसमें बॉयल वाटर डालेंगे हम, पानी, गर्म पानी। और अच्छी तरह इसे मिला देंगे, मिक्स करेंगे हम। ये हमने बघार के लिए कर लिया है। प्याज है, तेजपान है, लाल मिर्चें हैं, लौंग वगैरह, जीरा। ये हमारा बघार हो चुका है तैयार। अब इसमें डालेंगे हम मटन की प्याज के अंदर। अच्छे अंदाज में और हमारे हरीश का जो है कलर भी बहुत अच्छा आ चुका है। अब इसमें हम अपने हिसाब से पानी रखेंगे, आप भी अपने हिसाब से पानी रखो इसमें। दोस्तों हम सर्व करेंगे इसको। ये देखो गजब हरीश बन चुका हमारा, बहुत टेस्टी है दोस्तों।